जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। ये गाना जब भी सुनाई देता है तो फिल्म बेताब की याद आ जाती है। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसमें सनी देओल और अमृता सिंह ने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली फिल्म में काफी मशहूर हो गए थे। फिल्म की कहानी और फिल्म में इन दोनों की एक्टिंग के साथ साथ इन दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये फिल्म सुपरहिट फिल्म बन गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खबरों के अनुसार इस सुपरहिट फिल्म का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, यानी कि हमें जल्द ही बेताब 2 मूवी मिलने वाली है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बेताब 2 मूवी के बारे में जानकारी देंगे। आखिर कौन होगी इसकी स्टार कास्ट, क्या होगी कहानी, फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी बेताब 2 मूवी से जुड़ी इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही इस हिट फिल्म के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। साल 1983 में आई सनी देओल और अमृता सिंह की पहली फिल्म बेताब एक लव स्टोरी फिल्म थी, जिसकी कहानी की शुरुआत सनी देओल के किरदार सनी से होती है, जो कि एक फार्म का मालिक है। पर उससे पहले वो काफी अमीर था। उसके अमीर पिता दिवालिया होने के सदमे में मर जाते हैं। तब उनके सबसे अच्छे दोस्त अविनाश सरदार बने शम्मी कपूर उसके परिवार से रिश्ता तोड़ देते हैं, जिसकी बेटी रोमा बनी अमृता सिंह सनी की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। दोनों दिन भर साथ खेला करते थे, पर रोमा के पिता द्वारा सनी से रिश्ता खत्म करने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात होती है। उस समय सनी तो रोमा को पहचान लेता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। पर एक दिन सनी रोमा को यकीन दिला ही देता है कि वो उसका दोस्त सनी ही है, जिसके बाद दोनों अपने बचपन के अधूरे प्यार को पूरा करते हैं और एक दूसरे के साथ खूब सारा समय बिताते हैं। पर जब इन दोनों के प्यार के बारे में रोमा के पिता को पता चलता है तो वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, पर अपनी बेटी के सामने हार जाते हैं। इधर इनके इस फैसले से फिल्म के विलन बलवंत बने प्रेम चोपड़ा अपने बेटे की शादी रोमा से कराकर उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं, पर सनी और रोमा के साथ होने से उनके प्लान पर पानी फिर जाता है। इसलिए वो रोमा को सनी के घर से किडनैप करा लेते हैं और जब इस बात का पता सनी को चलता है तो वो तुरंत रोमा को बचाता है और उन गुंडों से जबरदस्त लड़ाई करता है, जिसके बाद रोमा के पिता इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवाते हैं। इस तरह सनी और रोमा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। बस यही कहानी खत्म हो जाती है, जो दर्शकों को बड़ा पसंद आई थी, इसलिए फिल्म सुपरहिट हो गई थी। आज इस फिल्म को 39 साल हो चुके हैं। खबरों की माने तो इसी खुशी में फिल्म के निर्देशक राहुल रवेल जल्द ही फिल्म का रीमेक लाने वाले हैं, यानी कि बेताब 2 फिल्म लाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है। फिल्म पहले की तरह ही लव स्टोरी होने वाली है, साथ ही इस बार एक्शन का डबल डोज होगा। बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो खबरें आ रही है कि फिल्म के निर्देशक बेताब 2 के लिए सनी देओल की जगह हीरो के रूप में उन्हीं के बेटे करण देओल और अमृता सिंह की जगह उनकी बेटी सारा अली खान को लेना चाहते हैं, इसलिए वो इन दोनों को फिल्म का ऑफर दे चुके हैं। पर अभी इन दोनों में से किसी ने भी फिल्म में काम करने के लिए कन्फर्मेशन नहीं दिया है। फिलहाल इसकी कहानी पर काम चल रहा है, तो लगता है हम सभी को इस फिल्म के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सनी देओल और अमृता सिंह ने इस फिल्म में जो अपना जादू चलाया था, क्या उसके दूसरे पार्ट में इन दोनों के बच्चे वो जादू चला पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।